बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको वादा किया था पिछले ब्लॉग में कि मैं आपको अपना कॉलेज कैंपस टूर दूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेन बिल्डिंग आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे सारा ऑफिशियल काम होता है, यहाँ पे क्लासेस नहीं लगती। एंड आपको पता है कि हमारा जो बीटेक जो मेरा अभी लास्ट ईयर है, पर हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो वो हमारा थर्ड बैच था जब यहाँ पे स्टडी स्टार्ट हुई, जब यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई। वरना ये 1996 से हमारी यूनिवर्सिटी चल रही है, बट इसके अंडर 181 कॉलेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई 2016-15 से स्टार्ट हुई है। तो अभी ये है ऑफिशियल बिल्डिंग, जिसे हम कह सकते हैं। और मेरे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कैम है, तो मैं आपको वही दिखाती हूँ। इधर चले कि इधर चले? और इस बिल्डिंग की एंट्रेंस यहाँ से है, वो एक ही एंट्रेंस है। पहले मैंने आपको एक एंट्रेंस दिखाई थी, वहाँ से एक एंट्रेंस यहाँ से है। यहाँ पे हमारे बीसी सर यहाँ से एंटर करते हैं, एक वहाँ पीछे से एंट्रेंस है और एक उस साइड से है, ऑपोजिट साइड से। बिल्डिंग की चार एंट्रेंस है। अमीरी है बहुत ज़्यादा, लाइक हर जगह से सहूलियत है हमारे कॉलेज में। तो ये है गुरु नानक ऑडिटोरियम, ये नया बना है एंड पिछले साल ही, हाँ नवंबर पिछले साल बना था, क्योंकि तब गुरु नानक देव जी की 550th एनिवर्सरी थी, तो उनकी याद में ये वाला ऑडिटोरियम बनाया गया। और अंदर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पर हमें जान नहीं देंगे अंदर, कोई फंक्शन होता है ना तभी जाने देते हैं। और यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम टाइप हम कह सकते हैं, बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है शायद, सुनने में आया कि स्विमिंग पूल भी बन रहा है, पर पता नहीं क्या बनेगा, लेट्स सी। और इधर आ जाओ, जा साथ साथ में। तो ये देखिए इसका पास का व्यू, इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन रखा है। आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो हमारे पंजाब के CM हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस, कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन होता है तो इसी ऑडिटोरियम को बुक करते हैं। और अभी आगे चलते हैं अभी हम लोग। तो वो देखिए, वो है बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ पर लिखा भी हुआ है बॉयज़ हॉस्टल, एंड बीच वाला PhD मास्टर्स के लिए बिल्डिंग है। और वहाँ पे किचन भी साथ में अटैच है, वहाँ पे मतलब लाइक फैमिलीज रह सकती हैं। और ये भी एक बॉयज़ हॉस्टल है, पहले कह रहे थे कि ये गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, पर फिर हमें मिला ही नहीं ये गर्ल्स हॉस्टल। हमने इतने सपने सजा रखे थे कि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे, नई नई बिल्डिंग होगी, नए नए कमरे होंगे, बहुत अच्छा रहेगा, बट वो सारे सपने पानी में डूब चुके हैं। और एक ये है, ये भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये ग्राउंड फुटबॉल की है और एथलेटिक्स, जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला फंक्शन होता है तो वो यहीं पर होता है। और यहाँ से तो बस ये व्यू मैं आपको दिखा सकती हूँ, और उसके बाद भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनना है, बट वो बनना है अभी। तो अभी मैं आपको वाली बिल्डिंग वाली साइड लेके जाती हूँ, जहाँ पे सारी स्टडीज़ होती हैं, क्योंकि ये वाला साइड थोड़ा ऐसा था कि ऑफिशियल साइड जिसे कह सकते हैं। ये मेन बिल्डिंग के बाद है मेन कह रही हूँ, हमारी बिल्डिंग CB1 एंड CB2, और उसके बाद PIT है, उसके बाद हॉस्टल। मैं सारा आपको चक्कर दिलवाती हूँ, आ जाओ। ये है मेन एंट्रेंस, लाइक ये गेट नंबर 3 है, और ये देखो बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंट्रेंस। चलो मित्रवा, ये हमारी आई दो बिल्डिंग्स। तो ये दोनों बिल्डिंग के बीच की जगह है, वो सामने हम इसे कहते हैं कि छोटा ऑडिटोरियम, कि छोटे ऑडिटोरियम के पास आ जाओ, बड़ा ऑडिटोरियम वो था। और ये है सिविल की बिल्डिंग हम कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं सिविल बिल्डिंग, एंड ऊपर HM की पढ़ाई होती है, और यहाँ पे नीचे मैकेनिकल के है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का, एंड देन CSE अपना डिपार्टमेंट। मेरी क्लास वो है ऊपर टॉप मोस्ट पर। और चलो अंदर की क्लास दिखाऊँ तुम्हें, चलो अंदर क्लास दिखते हैं। तो ये रही हमारी क्लास, मतलब थी एक टाइम की, और मोस्टली मैं यहाँ बैठती थी, या वहाँ बैठती थी, या फिर वहाँ बैठती थी।
हाय। ये तो ये हमारे जूनियर्स हैं, फर्स्ट ईयर के, हम लोग फोर्थ ईयर के बस जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों को? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये सिमरन ने बनाया था। बाहर से कुछ ऐसी है बिल्डिंग, एंड दैट इज अनदर बिल्डिंग। ये छोटा ऑडिटोरियम, ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का टूर भी मैं आपको दूंगी क्योंकि हमारी लाइब्रेरी बहुत ज्यादा सुंदर है। दिस इज पार्किंग। ये है यादें, इसके अंदर हम एक स्टोन फेंकते थे। स्टोन क्या सिखा रहे हो आप? और ये हम इसके अंदर डाल रहे थे। ओए! ओ, ये रास्ता जाता है हमारे हॉस्टल को, एंड ये एक नई बिल्डिंग बन रही है। आई डोंट नो अब क्या ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बट कॉलेज में भी कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, चलती रहती है। इस बास्केटबॉल कोर्ट, वहाँ वॉलीबॉल मैंने बहुत खेला है, एंड ये बैडमिंटन कोर्ट, ये PIT बिल्डिंग। अभी हम आ गए अपने हॉस्टल में, ये हॉस्टल नंबर 2 एंड दैट इज हॉस्टल नंबर 1। तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, मैं यहाँ बोल रही थी, और ये बस यहाँ हूँ मैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो वो है PIT बिल्डिंग। इसको छोड़ो, वो बच्चे देखो अच्छा खेल रहे हैं। ये ग्राउंड, ये धूप सेकने के लिए हम लोग बहुत यहाँ पे, इतनी यादें हैं ना, हम लोग यहाँ पे धूप सेकते थे सर्दियों में, संतरे खाने साथ में एंड धूप सेकनी, और लेट जाना, पढ़ाई लिखाई तो पता नहीं। फिर कमल में आते थे, फिर तब ना वहाँ पे लेट लेते, फिर प्रेशर आया था कि अब यार एग्जाम है पढ़ लो, फिर हम ऊपर आते थे पढ़ते थे। बहुत यादें हैं यार, अब 10 दिन में छोड़ के जाना हमने। 10 दिन से भी कम है बेटे, बड़ी याद आई। और कल रात को हमें पता लगा कि हाँ 10 दिन बाद हमें कॉलेज छोड़ के जाना, अपना हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। और लिटरली इतना ज़्यादा ना इमोशनल, एक घंटा ना बस ऐसे बैठे रहे सुन एकदम, और यादें सोचते रहे कि कितनी मेमोरीज बनाई हमने यहाँ पे, और कितना कुछ इतना ज़्यादा इंजॉय किया था ना यहाँ। यार से हम छोड़ देंगे। चल चल हॉस्टल चले। तो ये था मेरा कॉलेज कैंपस, एंड अगर आपको लाइक और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे कॉलेज के बारे में, तो आप यहाँ आ सकते हो, कुछ जान सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर मैंने बोल दिया था ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड कमेंट करके बताइए कि ब्लॉग कैसा लगा। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आपको कोई चॉइस चाहिए कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग कैसा चाहिए, तो वो भी कमेंट करके बताइए। बाय।